थोड़ा सा मैं आपको ब्यूरो दे रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी पहली यूनिट है, नंबर वन यूनिट, हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भावना शर्मा, आई एम अ करियर साइकोलॉजिस्ट, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ आईआईटी एग्जाम का सिलेबस, आईआईटी मेंस मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसके जो टॉपिक्स आपके आते हैं, मतलब पहले यूनिट के बारे में मैं बताऊँगी कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सो उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैथ्स में कौन सी यूनिट से कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं मेन्स वाले एग्जाम। दिस इज़ फॉर मेन्स एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईआईटी वाला आपका एग्जाम है, मैथमेटिक्स सिलेबस कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, दैट मीन्स इसमें जो आपका टॉपिक होते हैं वो काफ़ी सारी रेंज में होते हैं, लाइक बहुत वास्ट वाइड सिलेबस होता है इसका। हेयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द की एरियाज यू शुड फोकस ऑन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्यूरो दे रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी पहली यूनिट है, नंबर वन यूनिट, दैट मीन्स सेल्स सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन, दिस इज योर यूनिट नंबर फर्स्ट, ओके। सो इसमें जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा वीन डायग्राम, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आपका होगा रिलेशन एंड फंक्शंस। फोर्थ पे आपका होगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दैट इज वन टू वन ऑन टू ईटीसी। एंड देन फोर्थ पे आपका, फिफ्थ पे आपका होगा बाइनरी ऑपरेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस के एग्जाम में आते हैं, मेंस आईआईटी मेंस मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड नंबर, सेकंड पे जो आपका, सेकेंड जो आपकी यूनिट है वो है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज योर यूनिट नंबर सेकेंड, ठीक है। सो इसमें जो आपका फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, सेकेंड आपका रहेगा डी मोएवर्स थ्योरम, एंड थर्ड आपका रहेगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दीज आर योर टॉपिक्स इन योर सेकेंड यूनिट, ठीक है। देन आपकी जो थर्ड यूनिट रहेगी उसमें आपका जो नेम है थर्ड यूनिट का, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, अब आपको थोड़ा ठीक से दिखेगा, दिस इज योर यूनिट नंबर थर्ड। इसमें जो भी आपका टॉपिक्स कवर होगा उनके नाम मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फर्स्ट आपका रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड नंबर पे आपका रहेगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड पे आपका रहेगा डिटरमिनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, फोर्थ पे आपका रहेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। दीज आर योर टॉपिक्स इन यूनिट नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट नंबर फोर, यूनिट फोर जिसमें आपका रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सॉरी, दिस इज योर यूनिट नंबर फोर, ओके। सो इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फैक्टोरियल नोटेशन, सेकंड नंबर पे आपका रहेगा काउंटिंग प्रिंसिपल्स, थर्ड पे आपका रहेगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फोर्थ पे आपका रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। दीज आर द टॉपिक्स इन योर यूनिट नंबर फोर। देन आपकी फिर यूनिट फाइव जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज योर यूनिट नंबर फाइव, ओके, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा जनरल एंड स्पेसिफिक टर्म्स, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड आपका रहेगा बायनोमियल कोफिशियंट, दिस इज योर सेकेंड टॉपिक। देन थर्ड पे आपका रहेगा, सॉरी, यूनिट नंबर सिक्स, दिस इज योर यूनिट नंबर सिक्स। इसमें जो आपका नेम है यूनिट का, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, सेकेंड आपका रहेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, थर्ड मैं एक बार यहां पर लिख देती हूँ, थर्ड टॉपिक आपका रहेगा इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज योर थर्ड टॉपिक इन सिक्स्थ यूनिट।
दीज आर सम टॉपिक्स एंड दीज आर सम यूनिट्स एंड दियर टॉपिक्स. देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं. यूनिट नंबर 7, इसका नेम है लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. दिस इज योर यूनिट नंबर 7. इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे एक बार उनके बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट जो आपका रहेगा लिमिट्स ऑफ फंक्शन, सेकंड नंबर पे आपका रहेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सॉरी थर्ड नंबर पे आपका रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. दीज आर योर टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स इन यूनिट नंबर 7. ओके, देन आपका 8, यूनिट नंबर 8 जो जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस. दिस इज योर यूनिट नंबर 8. इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंडेफिनिट इंटीग्रल, सेकंड टॉपिक आपका रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज, थर्ड टॉपिक आपका रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स. ठीक है, दीज आर योर टॉपिक्स इन यूनिट नंबर 8. नेक्स्ट आपका देखते हैं यूनिट नंबर 9, जिसका नेम है डिफरेंशिएशन इक्वेशन. दिस इज योर यूनिट नंबर 9. फर्स्ट पे आपका रहेगा इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन, एंड सेकंड नंबर पे आपका रहेगा एप्लीकेशंस एंड प्रॉब्लम्स. दीज आर योर टॉपिक्स इन यूनिट नंबर 9. नेक्स्ट देखते हैं ओके यूनिट नंबर 10, दैट मींस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. दिस इज योर यूनिट नंबर 10. ओके, सो इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट जो टॉपिक जो है आपका यूनिट नंबर 10 के लिए, स्ट्रेट लाइंस सर्कल कॉनिक सेक्शन. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक. सेकंड टॉपिक रहेगा आपका पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला. दिस इज योर सेकंड टॉपिक. नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 11 रहेगी 3 डायमेंशनल जियोमेट्री. दिस इज योर यूनिट नंबर 11. ओके, इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज. सेकंड आपका रहेगा इक्वेशंस ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स. दीज आर योर टू टॉपिक्स इन यूनिट नंबर 11. नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 12, इसमें आपका रहेगा यूनिट का नेम वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सेकंड टॉपिक आपका रहेगा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये आपके 10, 11 और 12 यूनिट जिसके टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं 13, जो आपका यूनिट रहेगा वो रहेगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यूनिट नंबर 13. ओके, सो इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा इन यूनिट नंबर 13 वो आपका रहेगा मीन मीडियन एंड मोड. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, मीन मीडियन एंड मोड. सेकंड टॉपिक आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आपको प्रिपरेशन करना है. थर्ड रहेगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम. ये जो नेम से जितनी भी थ्योरम आ रही है वो सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब की सब आपको प्रिपेयर करनी होगी. ठीक है, देन आपका यूनिट नंबर 14, यूनिट नंबर 14 है आपकी ट्रिग्नोमेट्री. ओके, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल. दिस इज योर सेकेंड टॉपिक इन यूनिट नंबर 14. देन आपका यूनिट 15 आपका रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग. ठीक है, इसमें फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 15 में, स्टेटमेंट्स लॉजिकल ऑपरेशंस. देन सेकेंड आपका रहेगा वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट. दीज आर योर टॉपिक्स इन यूनिट नंबर 15. देन लास्ट आपकी जो रहेगी यूनिट, यूनिट नंबर 16, दिस इज योर लास्ट यूनिट जिसमें आपके सारे मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे. दिस इज योर यूनिट नंबर
16, इसमें आपको बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स रहेंगे सारे के सारे। सो दिस इज योर एडवांस मैथ्स सिलेबस फॉर मैथ्स आईआईटी एग्जाम मेंस एग्जाम सिलेबस। मैथ्स के लिए मैंने सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया, आई होप आपको ये पसंद आएगा और आपके एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।